नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको सिखाने जा रहा हूं कि लैपटॉप में ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, कैसे किसी को ईमेल करते हैं, कैसे किसी का ईमेल आता है उसको चेक करते हैं, कभी फोटो और बायोडाटा किसी को मेल करना, सारा चीज। अगर आप भी पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको भी मेल करना मतलब ईमेल करना आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, चैनल में पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब ये कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास लैपटॉप है और लैपटॉप है, यहां से मुझे कुछ जो है ईमेल करना है, बॉम्बे करना है, दिल्ली करना, अमेरिका करना है, तो यहीं बैठे बैठे मैं लेटर को भेज सकता हूं। तो आपको बताता हूं कैसे करते हैं। देखिए, किसी को मेल करना आपको है तो आपके पास एक ईमेल आईडी होता है। जैसे मान लीजिए किसी को फोन करना है आपको, तो आपका एक फोन नंबर चाहिए, फोन चाहिए, जिसके माध्यम से आप जा किसी को फोन कर लेते हैं तो बात आप ही हो पाती है। इसी प्रकार से आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, उसके अलावा आपको चाहिए एक ईमेल चाहिए, मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल करना आपको है, तो इसके लिए आपके पास एक आईडी होना चाहिए। आईडी तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको फ्री के अंदर जो आईडी क्रिएट करने का मौका देती हैं। जैसे एक कंपनी है गूगल, उसका एक पार्ट है जीमेल, जीमेल पर क्रिएट कर सकते हैं। एक कंपनी है याहू, याहू के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। एक कंपनी है रेडिफ, रेडिफ पर क्लिक कर सकते हैं। एक कंपनी हॉटमेल है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जिसके ऊपर आप अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फोन नंबर होता है वोडाफोन कंपनी का, एयरटेल कंपनी का, जियो कंपनी का, उसी प्रकार ये कंपनियां जो आपको आईडी प्रोवाइड करती हैं। तो आज हम लैपटॉप में सीखेंगे गूगल का जो पार्ट है जीमेल, उसके ऊपर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे किसी को मेल करते हैं। तो हमको लैपटॉप में इंटरनेट पहले कनेक्ट कर लेना होगा। हमने इंटरनेट लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया है, आपके पास कंप्यूटर होगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, बिना इंटरनेट के काम नहीं हो पाएगा। तो हमने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है, हमारे इस लैपटॉप के अंदर विंडो 11 लोडेड है। आप चेक कर लीजिए आपके लैपटॉप में क्या लोडेड है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ लेके आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और पूरा बेसिक से बताने का प्रयास करता हूँ कैसे करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हमारे इस लैपटॉप के अंदर विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है और इसमें पहले से इंटरनेट हमने कनेक्ट कर लिया है। और कनेक्ट होने के बाद में हर लैपटॉप हर कंप्यूटर के अंदर आपको ब्राउजर मिलेगा जिसके माध्यम से आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस लैपटॉप के अंदर दो ब्राउजर है, एक फायरफॉक्स दिख रहा है मोजिला और एक दिख रहा है गूगल क्रोम। तो नॉर्मली हम लोग गूगल क्रोम लोड करते हैं और इंस्टॉल भी करते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। गूगल क्रोम में इसको हम दो बार क्लिक कर लेते हैं। दो बार क्लिक करने के बाद में देखिए एक नया विंडोज खुल के आ गया है, दिख रहा है ना ये, और यहाँ पे ये दिख रहा है जहाँ पे हमारा कर्सर जा रहा है, इसको कहते हैं एड्रेस बार। यहीं पे हम टाइप करते हैं एड्रेस जो हमको साइट खोलना है। तो हमको याहू बना सकते हैं, हम चाहे रेडिट बना सकते हैं, हम चाहे जीमेल बना सकते हैं, हम बनाते हैं जीमेल के ऊपर अपना ईमेल आईडी। तो यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ लिखते हैं gmail.com, gmail.com क्लिक किया हमने। देखिए यहाँ पे हमारा ये जीमेल अकाउंट खुल के आ गया, दिख रहा है ना, जीमेल अकाउंट खुल के आ गया। हमको ईमेल आईडी क्रिएट करना है, तो अगर पहले से आपके ईमेल पड़ा हुआ है तो यहाँ डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको नया क्रिएट करना क्योंकि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। इसे क्लिक करने के लिए तो आपको चाहिए एक फोन नंबर जिसके माध्यम से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये खुला पेज खुला हुआ है, विंडो खुला हुआ है, लेकिन नीचे लिख क्या रहा है क्रिएट अकाउंट, लिख क्या रहा ना क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक कर दिए, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करिए। अब यहाँ दिख रहा है फॉर माय पर्सनल यूज, फॉर माय चाइल्ड, फॉर वर्क एंड फॉर माय बिजनेस। फॉर माय पर्सनल यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे कजन का मैं एक आईडी बना रहा हूँ, फॉर पर्सनल यूज पे क्लिक कर, यहाँ क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने बाद में पूछा उनका नेम क्या है, तो मान लीजिए जो मेरे जो कजन है उनका नाम जो है मानव है, MANAV मानव है, और उनका सरनेम डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, वरना ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। इस पे डाल के मानव डालने के बाद में हम सीधे इस पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ सही पूछता है और सही डालना चाहिए, गलत डालेंगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमेशा सही डालिएगा। उनका डेट ऑफ बर्थ मैं जानता हूँ 10 और ये फिर जुलाई, जुलाई फिर 1997, दिख रहा ना ये 10 जुलाई 1997 कर दिया हमने है। और यहाँ पे जेंडर क्या है उनका, मेल है फीमेल है, या बताना नहीं चाहते हैं तो हमेशा सही बताना चाहिए, तो मेल है, मेल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्लिक हो गया है। तो अब ईमेल आईडी बोला क्या लेना चाहते हैं, जैसे फोन नंबर होता है एयरटेल वोडाफोन कंपनी ना जियो का, उसी प्रकार जब ईमेल आईडी बनाते हैं तो देखिए ईमेल आईडी ये हो गया, उसके बाद एट द रेट लगता है, उस कंपनी का नाम लिखा था जिस कंपनी का आपने ईमेल आईडी बनाया है। अगर मैं याहू का बनाता तो याहू लिख के आता, जीमेल बना रहा हूँ तो जीमेल लिख के आ रहा है। तो हम क्या डाले हुए हैं, मानव MANAV मानव हमारा है ये आईडी है, और उसके बाद 1990
97 का उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो हम इस पर नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, बता रहा है मानव 1997 पहले से ले रखा है, तो इसमें कुछ और नंबर हम जोड़ देते हैं, हो सके हमारा नंबर जो है हम 1113 भी कर देते हैं, ठीक है। 1997111 और @gmail.com हमारा ईमेल बनेगा, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए उसने ले लिया अब, ठीक है, तो हमारा ईमेल आईडी ले लिया हुआ है मानव 1997111। अब हम पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इसमें अल्फा न्यूमेरिक मतलब ABCD होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए, कुछ सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर होता है @#, ये भी होना चाहिए। तो हम डाल देते हैं जो भी हमको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर है हम डाल देते हैं। ये देखिए ये हमने डाल के इस पे कर लिया और ये हमने कर दिया, सेम जो ऊपर पड़ा रहेगा सेम वो नीचे पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया, ये से ऊपर डाला हुआ, शो करेंगे तो आपको दिख जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इसको शो मत करिए, हिडन हो जाए पासवर्ड में चाहिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक हो गया। अब बोल रहा है आपको चाहिए एक फोन नंबर, कंफर्म दैट यू आर नॉट अ रॉबर्ट, मतलब आप एक गलत आदमी नहीं है, आप जो है एक सही आदमी है, गेट अ वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर फोन नंबर। आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए, अगर ऑलरेडी उस नंबर पे अगर बना हुआ ईमेल आईडी, कोई बात नहीं दोबारा बना सकते हैं आप, है तो जान लीजिए। जैसे मुझे बनाना है तो हमारे कजन का एक फोन नंबर है, उसी फोन को नंबर को डालता हूँ और उन्हीं नाम पे ईमेल आईडी बना देता हूँ दोस्तों। तो नंबर लेने के लिए देखिए ये नंबर मैं उनका खोल लेता हूँ, हाँ ये नंबर उनका मिल चुका है, और नंबर नोट मत करिए क्योंकि नंबर किसी और का है, और इसी के ऊपर एक मैसेज आएगा और मैसेज को डाल के वेरीफाई करना पड़ता है। ये हमने डाल दिया सीट, ठीक है दोस्तों ये हमने डाल दिया, इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर डाला हुआ उसके ऊपर एक आएगा मतलब एक मैसेज आएगा, और मैसेज को यहाँ जी के बाद डालना रहेगा तभी ये वेरीफाई होगा। तो देखिए मैसेज तुरंत डालने के बाद तुरंत आ जाता है और मैसेज आ चुका है, और यहाँ पे नंबर है ये देखिए, ये मैंने डाल दिया और ये देखिए ये खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, और ये बता रहा है कि आपका ईमेल आईडी बन चुका है, ये बोल रहा है एड रिकवरी ईमेल। मान लीजिए कि इस जो ईमेल आईडी मैंने बनाया इसका मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, कोई कारण और होता है, तो इसको रिकवरी करने के लिए आप एक ईमेल आईडी और डाल सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ईमेल आईडी है तो आप तो नए आदमी हैं, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं पड़ा हुआ तो छोड़ दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, इस पर स्किप क्लिक कर देते हैं। और फिर पूछ रहा है एड फोन नंबर, गूगल विल यूज दिस नंबर फॉर, तो आपको मैं डेमो देने की सिखा रहा हूँ, मेरे भाई साहब का मतलब कजन का है ये, तो इसको भी स्किप कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, अभी नया आप है तो स्किप कर दिए इसको भी। देखिए अब ये ईमेल आईडी क्या बन चुका है, मुझसे कोई पूछेगा कि आपके फ्रेंड का ईमेल आईडी क्या है, आपके कजन का ईमेल आईडी क्या है, या उनसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, मानो 1997111@gmail.com। अब इसी के ऊपर इनका ईमेल आएगा, कभी इनको मैसेज फोन नंबर पूछते हैं ना कि आपको फोन नंबर क्या है, तो इस प्रकार से देखिए ये ईमेल आईडी है। अब ये ईमेल आईडी नोट करके रख लेना चाहिए, जो भी आप बना रहे हैं बन गया है। अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर, इनका कुछ फॉर्मेलिटी है, इनका कुछ पायरेसी चीजें हैं, इसको आप सीधे सीधे एग्री कर लीजिए। अभी ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, इनके गाइडलाइन के साथ चलना पड़ेगा आपको, गूगल कंपनी का ये। और ये आपका एक ईमेल आईडी बन चुका है। देखिए इंटरनेट स्पीड तेज होगी तो जल्दी काम होगा, इंटरनेट स्पीड स्लो होगी तो धीरे धीरे काम हो पाएगा। तो देखिए ये आपका एक जीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है और आपका ये जीमेल आईडी बन चुका है, ये ठीक है ना। ये अब कोई भी मेल आपको करना है, मान लीजिए किसी को आपको मेल करना है, मान लीजिए किसी को आपको जो है आपका पास ईमेल किसी का आता है चेक करने के लिए, तो पहले बता दो कैसे किसी को मेल करते हैं, आपका ये खुल चुका है। तो देखिए जीमेल के अंदर एक ऑप्शन होता है कंपोज, ठीक है ना, ये देखिए बड़ा सा जहाँ मेरा जा रहा है कर्सर जा रहा है, यहाँ कंपोज लिखा हुआ है, और इसी पे क्लिक करते हैं, कंपोज पे क्लिक करते हैं, तो कंपोज पे क्लिक किया हमने, एक ऐसा नया विंडो खोल के आ गया, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है न्यू मैसेज, ठीक है, उसके बाद टू और सब्जेक्ट, टू मतलब क्या हो गया, मान लीजिए किसी हमको फोन कर रहा है तो वो क्या चाहिए, उस व्यक्ति का हमको फोन नंबर चाहिए होता है, जैसे मुझे फोन करेगा कोई बॉम्बे से तो मेरा फोन नंबर उनके पास वो भी कर पाएंगे ना। अगर मान लीजिए मुझे किसी को अमेरिका मेल करना है उनका ईमेल आईडी हो तो भी हम मेल कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी है JOGENDR jogender1234@yahoo, याहू कंपनी पे मेरा है, जीमेल पे भी है, याहू पे दिखाता आपको मैं, .co.in, ठीक है ये हो गया ईमेल, ये आ चुका है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्लिक करना है, ठीक है सब्जेक्ट पे आ चुका है ये जोगेंद्र, ये एड्रेस हो गया ईमेल आईडी इसको भेजना है। एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या सब्जेक्ट डालना है, मान लीजिए किसी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ शादी के लिए, तो यहाँ डाल देता हूँ सब्जेक्ट में इनविटेशन, INVITATION, इनविटेशन डाल दिया। अब उसके बाद आते हैं मैसेज के ऊपर, अब डियर दोस्त जैसे सिंपल लिख लीजिए, दोस्त हो गया, I am INVITING इनवाइटिंग यू फॉर माई BROTHE ब्रदर मैरिज, IAG मैरिज लिख के
ये शॉर्टकट बता दिया आपको, फिर लिख दीजिए रिगार्ड। ये स्पेलिंग गलत पे नोटिस मत करिए भाई, देखिए इसमें गैप नहीं पढ़ पाया, वरना बाद में कहेंगे लोग ये गलत बताते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए नमस्ते, नमस्ते के लिए बोलते हैं इंग्लिश में रिगार्ड्स, RDS रिगार्ड्स, और उसके बाद कर दीजिए मानव, कर दीजिए मानव, उनका नाम है MANAV मानव। ठीक है, अब इसको हम सिंपल चाहेंगे सेंड कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर, नीचे क्लिक करेंगे तो सेंड पे क्लिक कर देंगे, चला जाएगा इनके पास में। लेकिन चाहते हैं कि हमको शादी कार्ड भेजना है, उनका शादी कार्ड पहुंच जाए, ये तो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ एक नीचे लेके आएंगे, यहाँ लिखे आ रहा है अटैच फाइल, लिख रहा है ना अटैच फाइल, इस पर क्लिक कर दीजिए। अटैच पर क्लिक करने के बाद में कोई भी शादी कार्ड आपने मान लीजिए स्कैन करके अपने लैपटॉप में रखा हुआ है, या फोटो किसी रखा हुआ, तो मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है शादी कार्ड, इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया फाइल को, और यहाँ लाके हमने ओपन कर दिया। ओपन करेंगे देखिए ये फाइल स्क्रीन शॉट लेकर आ रहा है, ये यहाँ अटैच हो रहा है, मतलब इसके साथ में बन गया है। अब इसको सिंपल हम इसको यहाँ पर जो है सेंड पे क्लिक कर देते हैं। सेंड पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो है यहाँ से ईमेल जो है जोगेंद्र वाले मैसेज के ऊपर चला जाएगा। अब वहाँ अब मान लीजिए कि उनके पास पहुंच गया जोगेंद्र वाले, जो हमने ईमेल आईडी बनाया हुआ है, अब जोगेंद्र से कोई मेल हमको रिप्लाई करना है कि हाँ पहुंच गया, ये सारी चीजें हैं, तो हम दोबारा उनको रिटर्न बैक करते हैं। जब रिटर्न बैक करेंगे कहाँ मेल आएगा वो आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों। देखिए मानव नाम से इन्विटेशन मेरे पास आ चुका है मेरे मोबाइल फोन के ऊपर, अब मुझे रिटर्न करना है, तो मैं रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, मेल करता हूँ दोबारा, मैं करता हूँ RECEIRECE रिसीव। ठीक है, सिंपल मैंने लिख दिया आई रिसीव, लिख दिया अपने मेल के, और मैंने वहां से इसको जो है सेंड कर दिया। अब कोई मेल मात नहीं मुझे करता है तो मेल करे कहाँ पे आएगा, जब मेल कोई करेगा तो मेल करने के बाद में हमारे पास जो मेल आएगा वो आएगा इनबॉक्स के अंदर, दिख रहा है ना इनबॉक्स, दिख रहा है इनबॉक्स ये, इसके अंदर चेक करेंगे, जैसे भेजना होगा कंपोज पे क्लिक करेंगे, और चेक करना हो कि ईमेल आया नहीं आया है तो जोगिंदर इस पर क्लिक करें, देखिए इनबॉक्स के अंदर अब बता रहा है कि जोगिंदर की तरफ से इन्विटेशन आई रिसीव लिख के आ रहा है, दिख रहा है ना, ये इन्होंने जो है रिप्लाई कर दिया है। इस पर क्लिक करते चेक करते हैं, देखिए आई रिसीव लिख, जोगिंदर साहनी बोल दिया आई रिसीव, तो भेजना हो चेक भेजेंगे कंपोज के अंदर, और चेक करना है कि हमारे पास कोई मेल आया तो इनबॉक्स के अंदर चेक करेंगे, जैसे आप मोबाइल फोन भी यूज करते हैं वही होता है, क्लियर एकदम है। तो ये देखिए मेल आने का तरीका ये है, एकदम पूरा सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं है मेल के अंदर। मुझे लगता है पूरा वीडियो देखेंगे अच्छा हो जाएगा। और हाँ, अगर आप साइबर कैफे में हैं, अगर आप किसी दूसरे लैपटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा अपना ये जो आपका ईमेल आईडी है इसको लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के लिए देखिए पड़ा हुआ है, सीधे कोने से बंद मत करिए, यहाँ पे देखिए एम बन के आ रहा है, ये एम लिख के आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में साइन आउट है, और ये डमी मैंने बना रखा था ईमेल आईडी, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए साइन आउट दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे साइन आउट के ऊपर, और यहाँ से जाकर के इसको आप साइन आउट करेंगे तो साइन आउट हो चुके। मान लीजिए कि अगले दिन दोबारा आते हैं लैपटॉप खोलते हैं, आपको दोबारा आपको ईमेल करना किसी को, कैसे खोलेंगे, तो हम गूगल द्वारा खोल लेंगे। गूगल देखिए यहाँ दिया हुआ है, गूगल पे दोबारा क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने बाद में हमारा ये जो जीमेल यहाँ दिखा रहा नीचे, इस पर क्लिक करेंगे, जीमेल क्लिक करने के बाद में ये खुल रहा है, तो manav1997111@ऑटोमेटिक ले रखा है, इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने बाद में जो आपने पासवर्ड बना रखा है उस पर जाकर के सिंपल यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, और ये जो है आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्टेड ईमेल आईडी हमारा है, और ये किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में जाएंगे तो आप ईमेल आईडी अपना नोट कर लीजिए, ईमेल आईडी आपका ये हो गया और पासवर्ड आपके पड़ा हुआ, कहीं भी आप इसको लॉग इन करके अपना चेक कर सकते हैं। ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी का इस्तेमाल। ठीक है, इसलिए कॉपी पेन ले करके ये जो ईमेल आईडी दिखा हुआ ना, दिखा रहा आपको, जैसे ये मेरे में ईमेल मैंने मानव बना रखा है, हो सके आप कुछ और नाम डाले होंगे, लेकिन @gmail.com आपका होगा तो उसको नोट कर लीजिए, पासवर्ड नोट कर लीजिए, और कोई पूछे आपका ईमेल आईडी क्या है तो ये आपको उसको ईमेल आईडी बना दीजिए, हमेशा आप साइन आउट करके लगा दीजिए, रख दीजिए, तो हमेशा आपके लाइफ में काम आएगा। पूरा वीडियो देखे होंगे, मुझे लगता है कि पक्का आपको अच्छा लगा होगा, इसे कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे दोस्तों। चलिए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था ईमेल के बारे में, पूरा वीडियो देखे होंगे तो पक्का आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना आ गया होगा, किसी को ईमेल भेजना वो भेज सके होंगे, किसी का ईमेल आता उसको भी चेक कर सकते हैं, फोटो डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना ईमेल के माध्यम अटैच करके तो भी आप कर सकते दोस्तों। तो वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं आता, हो सके वीडियो को देखने बाद में वो भी सीख जाएंगे। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।